क्या लग रहा है आपको, आ रही है सरकार दोबारा? हाँ दोबारा आएगी, दोबारा आ रही है, दोबारा नहीं आ रही? हेलो, हाँ ये दीजिए आपका कार्ड मुझे दे दीजिए, आपकी बेटी कह रही है दोबारा सरकार नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही, मंत्री देखिए नहीं, आप आ गए वोट देके? हैं, अच्छा क्या मुद्दे रहे आपके? हमारे मुद्दे विकास के रहे, विकास के रहे, विकास। तो बीजेपी तो सही विकास कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है बीजेपी। नाम आपका? मोहम्मद अफजाल। मोहम्मद अफजाल जी, यहाँ जो महिलाएं अभी आई थी जिनसे हम बात कर रहे थे, वो कह रहे कि ताजिया नहीं हमारा उठने दिया, मुहर्रम नहीं मनाने दिया। कावेत्रियों को भी तो नहीं जाने दिया था, उनको भी तो रोक लिया था, उनका कहाँ जुलूस निकले थे? कावड़ का? कावड़ तो निकले थे सर? नहीं नहीं, रोके गए थे। अभी मैं यहाँ देख रही हूँ कावड़ निकले हैं, अभी निकल रहे हैं। नहीं, मेला हुआ था। हाँ हाँ, कुंभ का मेला हुआ। हाँ हाँ, बात सही कह रहे हैं आप। नहीं नहीं, तो अब आप कह रहे हैं आपको बेहतर लगी होगी जी की सरकार? हाँ हाँ, आपके नहीं, एक मिनट उनको बोलने दीजिए ना, आपको बेहतर लगने के कारण होंगे? बोल लीजिएगा के। हाँ हाँ बिल्कुल, बता दीजिएगा। बेहतर लगने के कारण आपके? बेहतर लगेगा, ये सबको अनाज मिल रहा है, तेल मिला, नमक मिला, ये सब मिल रहा है, रुपया आ रहा है औरतों के लिए। कौन सा तेल मिला? ये सरसों का तेल जो वो इसमें बटा था, फ्री राशन, फ्री राशन, यही सब। और पेट्रोल डीजल जो आप लगा रहे हैं? हाँ वो तो मैनेज करना ही पड़ेगा। जब अच्छा, आप खुद प्रेस में हैं? जी चीफ एडिटर हूँ। चीफ एडिटर है, कौन से चैनल में? वीकली पेपर है मेरा, वीकली पेपर है। नाम बता सकते हैं? टोनी मिर्जा। अच्छा, तो ये आप खुद पत्रकार हैं, तब तो आप हालत को बेहतर तरीके से समझ रहे हो, राउंड कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, आ रही है सरकार दोबारा? हाँ दोबारा आएगी, दोबारा आ रही है, दोबारा नहीं आ रही? हेलो, हाँ ये दीजिए आपका कार्ड मुझे दे दीजिए, आपकी बेटी कह रही है दोबारा सरकार नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही, मंत्री देखिए नहीं, एवरीवन हैज इट्स देयर ओन थिंकिंग एंड एग्जैक्टली, सो आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस ही इज, यू नो शी इज एजुकेटेड ना? नहीं, ही इज आल्सो एजुकेटेड, दैट डजंट मीन ही इज नॉट एजुकेटेड। नो, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट यू, आई एम जस्ट आस्किंग कि ये पढ़ी लिखी है तो अपनी राय रख सकती है बिल्कुल। या तो आपके पापा कह रहे हैं कि बीजेपी बेस्ट है, योगी जी। स्टॉप हिम, सी इट्स हिज डिसीजन, आई कैन स्टॉप हिम राइट, बट आई कैन आल्सो जस्ट सजेस्ट हिम। या या, आई आल्सो। आपके लिए कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा बेटर है? अखिलेश, ऑब्वियसली अखिलेश। मतलब ये तो गजब है, एक ही घर में योगी जी के समर्थक भी हैं और अखिलेश के भी। आपका वोट है? नो आई एम नॉट एलिजिबल, बट ये एक अखिलेश जी के लिए नुकसान हो गया कि यहाँ पे वोटर नहीं है, समर्थक है वोटर नहीं है। लेकिन आपके पापा की राय से आपकी राय अलग कैसे है? घर में एवरीवन हैज देयर ओन माइंडसेट। एज क्या है आपकी? एज क्या है? माइन इज 19। 19, अच्छा, तो आपको तो वोटिंग राइट होना चाहिए, बनवा लेते। मुझे है बट मतलब अभी बना नहीं है या बट बनवा लेना चाहिए था, डाल दिया था बट अभी तक आया ही नहीं है, तो आए। हाँ, तो ये एक समस्या है, पर ये है कि आपका अपना माइंडसेट है। तो घर में जब डिस्कस करते हैं आप पॉलिटिक्स, तो इनकी राय जैसे कि बेहतर है, विकास कह रहे हैं, आपको क्या लगता है विकास नहीं हुआ? घर से दो पार्टी नहीं, आई एम नॉट सेइंग, बिल्कुल लड़ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि विकास नहीं हुआ है, बट एट द एंड कुछ मतलब आई डोंट थिंक सो कि बीजेपी इज अ गुड, यू नो। इन व्हाट टर्म्स यू थिंक बीजेपी इज नॉट गुड? They first of all have diversification. They fight on the names of religion. Okay. So this is not good, na? See, every school, everyone teaches us to be united, hai na? United we stand, divided we fall. That's a slogan, hai na? United we stand, divided we fall. So it's not there, like it's our okay. Like we have to support. See, we are educated. We are getting educated. So we'll think according to that, na? So that's why, see, we can see the changes what Akhilesh has brought and what BJP people has done. So, सर आपकी बेटी कह रही है कि बीजेपी फूट डालो राज करो वाला काम कर रही है। समझ रहे हैं, अब आप बताइए एक ही घर में वो अलग सोच रही है। अभी आपको क्या बताया कि एक घर से दो पार्टियों में लोग लड़ रहे हैं? पार्टियों में लड़ना तो अलग बात है ना। तो सबके I am not supporting anyone because I am not from here, I am from Delhi. मोहसिन रजा वो भाजपा में, उनके भाई कांग्रेस में, तो अब संघमित्रा बीजेपी में है, उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में, वो कोई आम बात नहीं रखती है। ये तो अलग बात है, वो तो राजनीतिक फायदे हैं, लेकिन आपके वोटर्स की बात मैं कर रही हूँ कि आपकी बेटी का अपना विचार है, आपके अपने विचार है, बेहद ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उसको इतनी स्वतंत्रता दी है, इसके लिए आपको तारीफ भी आपकी होनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल ये है कि आप बिल्कुल ऑपोजिट है, वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया है, वो कह रही है कि वो धर्म पे बांट रहे हैं। नहीं नहीं, सही कह रही है वो, ये सही कह रही है वो, सही। अच्छा, पापा कन्विंस हो गए? पापा कन्विंस है वो बस बोल देते हैं। हाँ बोल देते हैं, मतलब मोह है बीजेपी का, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, पुराना इंटेक्ट है। कब से बीजेपी के समर्थक है आप?
अरे काफी पीरियड काफी एक्सपीरियंस है पूरा गेटिंग एजुकेटेड एंड वी विल एजुकेट देम एज वेल ओके दैट्स द स्ट्रांग थिंग शी हैज सेड कि हम एजुकेटेड हैं उनको भी एजुकेट करेंगे सर आपको भी समझाएगी वो समझ रहे हैं बच्चे ही समझाएंगे भाई अब तो यंग वो समझ जाते हैं आई एम वेरी हैप्पी विद हिम ओके वेरी नाइस टॉकिंग टू यू थैंक यू सो मच